हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ए आर्स कुकबुक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सिंधी सतपुड़ा बनाएंगे, पर एक डिफरेंट स्टाइल में। इसके लिए मैंने एक बाउल या लगभग 100 ग्राम्स तक मैदा लिया है। आज मैं मीठे सतपुड़े बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है। आप चाहें तो मीठा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतनी चीनी डालने से ये हल्के मीठे होंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी की सहायता से हम आटा गूंथ लेंगे। पानी हमें इसमें ग्रेजुअली मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पूरा नहीं डालना है। पहले जो हमने सतपुड़े बनाए थे उसमें आटा हमने चपाती की तरह गूंदा था, इसमें थोड़ा सा टाइट गूंदना है। रीज़न कि हमने इसमें पिसी हुई चीनी मिलाई है, वो भी पानी छोड़ती है। आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसमें हल्का सा तेल डाल के अच्छे से फिर से मसल लेंगे एक बार। आटा चपाती से हल्का सा टाइट गूंदना है, ज़्यादा टाइट नहीं। इसके रखने से ये पानी छोड़ सकता है। अब इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। सतपुड़ा मतलब 7 layers, 7 परतें, सतपुड़। इसीलिए हम इस आटे के अब इक्वल पार्ट्स में 7 लोइयां बनाएंगे। आटे में थोड़ा सा तेल डाल के मैंने उसको फिर से अच्छे से मसल लिया है। आटे में से मैंने 7 equal parts कर लिए हैं। अब इसे चपाती की तरह बेलना है। आप चाहें तो 3 या 4 चपाती भी बेल के ये बना सकते हैं। इस तरह चपाती बनानी है। इस तरह बाकी 7 चपातियों को भी बेल देना है। ध्यान रहे चपाती को एक दूसरे के ऊपर रखने के टाइम उसके बीच में मैदा छिड़क लें, जिससे वो आपस में चिपकेंगी नहीं। अब इसके लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा लेके उसमें 5 से 6 चम्मच ऑयल डालना है और इस तरह हमें पेस्ट तैयार करनी है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी फ्लोइंग रखनी है हमें, जैसे वो अच्छे से चपाती के ऊपर फैले। अब पेस्ट को चपाती के ऊपर फैलाना है। इस तरह जो लेयर्स हम बनाएंगे वो आपस में चिपकेंगी नहीं और फ्राई करने के टाइम वो अलग अलग खुल के रुकेंगी। अच्छे से पूरे चपाती पे पेस्ट को फैलाना है और इस तरह एक के ऊपर एक चपाती रख के हमें 7 layers बनाने हैं। अब इसके ऊपर इस तरह दूसरी चपाती रखनी है। ध्यान रहे हमारी चपाती का साइज़ एक जितना ही बनाना है लगभग। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो उसे खींच के लगा दीजिए। इस तरह जो 7वीं लास्ट परत है उस पर 1.5 इंच छोड़ के फिर हमें ये पेस्ट लगानी है। बाकी का लास्ट का जो 1.5 इंच है उसे छोड़ देना है। अब इसे टाइट रोल करना है। अगर रोल लूज़ होगा तो परतें खुल सकती हैं, इसीलिए इसे टाइट रोल बांधना है। अब जितना पार्ट हमने इसे छोड़ा है उस पर हल्का सा पानी लगा के इसे फिर से रोल करना है, बांधना है। इससे क्या होगा कि ये जो सारी परतें हैं एक साथ चिपक जाएंगी। पहले जो हमने पेस्ट लगाया था उससे वो चिपकेंगी नहीं, फ्राई करने के टाइम परतें खुलेंगी। अगर ये लास्ट की परत हमारी खुल जाती है तो हमारा सतपुड़ा पूरा बिखर जाएगा तेल में जाने के बाद। इसे इस तरह टाइट दबाना है। देखिए इससे ये सारी परतें अच्छे से चिपक जाएंगी और बेलने के टाइम या फ्राई करने के टाइम ये खुलेंगी नहीं। अब ये जो साइड्स हैं इन्हें काट लेते हैं। दूसरा साइड भी काट लेते हैं। अब इन्हें 1 इंच की गैप में काटेंगे। इसमें से हमारे 8 से 9 सतपुड़े बनेंगे।
देखिए परतें दिख रही हैं ना अंदर। अब इस तरह बाकी सभी काट लेते हैं। अब इन्हें बेल लेंगे। इन्हें हल्के हाथ से साइड से बेलना है, बीच में प्रेशर नहीं देना है। देखिए इस तरह इन्हें बेलना है और हल्का मोटा ही रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। अब बाकी सबको भी बेल लेते हैं। तेल हमारा मीडियम हॉट हो चुका है। तेल का कलर येलो दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें पहले काफ़ी सारे सतपुरे फ्राई कर लिए हैं। तेल में सतपुड़ा डालने के बाद और कुछ नहीं करना, सिर्फ करछी से गरम गरम तेल उठा के सतपुड़े के ऊपर डालना है। ऐसा करने से जो सारी परतें हैं वो फूलेंगे भी और अलग अलग हो जाएंगी। आपको दिख रहा होगा परतें खुल रही हैं और सतपुड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ फूल गया है। अब इसे फ्लिप कर लेते हैं, उसका साइड चेंज कर लेंगे। है ना ये आसान तरीका, एक एक पट्टी को फोल्ड करने की भी परेशानी नहीं है इसमें। और फिर से इसके ऊपर गरम तेल डालेंगे। 6-7 मिनट तक इसी तरह सतपुड़े को पकने देना है स्लो फ्लेम पे। इस तरह अब निकाल लेते हैं। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि नीचे बर्तन रख के ऊपर से छन्नी रख के इस तरह कटोरी रखेंगे तो सतपुड़े को सीधा रख पाएंगे। इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है जैसे इसका पूरा ऑयल नीचे की तरफ बर्तन में जमा हो जाए। मैंने सतपुड़ों को पिसी हुई चीनी, ड्राई रोज़ पेटल्स और बादाम पिस्ता की कतरन से गार्निश किया। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।